जब हम इस स्थिति पर विचार करें तो हमें इसके बारे में निश्चित रूप से विचार करना होगा और यह ध्यान देना होगा कि हम सरकार के ऊपर जोर डालें कि इसका निदान इस तरह का हो जिससे रोजगार देना उसका एक ऐसा कर्तव्य बने जिससे वह बच के ना निकल सके। जब यह अधिकार हमारा होगा तभी सरकार अपनी योजनाओं में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में बात सोचेगी। तो इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जो स्थिति है इसके संबंध में हमें विचार करना ही होगा। हमने देखा कि निजी क्षेत्रों को राहतें दी गई हैं। निजी क्षेत्र की स्थिति यह है कि वह रोजगार दे नहीं सकता। अब हम उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं। उसके संबंध में जो सर्वेक्षण हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, उसके अनुसार जितनी उत्पादन क्षमता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, सुधार होते हैं, उनका परिणाम यह होता है कि जो लोग काम में लगे हुए हैं उनके लिए तमाम सुविधाएं हो जाती हैं, उनके लिए आराम हो जाता है। लेकिन उसका दूसरा परिणाम यह होता है कि नए रोजगार के दरवाजे बंद हो जाते हैं। यह जो आर्थिक समीक्षा है इस पर हमें सही दिशा में सोचना पड़ेगा और हमें अब यह मानना पड़ेगा कि अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि जो मूलभूत अधिकार हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं उन पर हम दूसरी तरह से नज़र डालें। आज तक हमने संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में माना है। मेरा कहना यह है कि यह भी एक कारण है, बड़ा कारण है, जिससे हमारी दिशा, हमारे दृष्टिकोण को बदलने में सहायता मिली है। यह जो आज़ादी हमारी आई है, हमारे देश में आई है, सभापति महोदय, यह सही है कि इस आज़ादी के लिए बहुत भारी बलिदान किए गए, लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत संघर्ष किए और उसके बाद हमें आज़ादी मिली है। लेकिन इसके साथ साथ यह बात भी सही है कि आज़ादी समझौते की आज़ादी भी थी और जब हमको समझौते से आज़ादी मिली तो हमें कई बातों पर समझौता करना पड़ा। जो संपत्ति का अधिकार हमें मिला वह उस समझौते में से एक है। हमने जो समझौते उस वक्त किए थे उन पर पुनर्विचार किया, चाहे वह राजाओं के प्रिवि पर्स का समझौता हो, चाहे वह बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो, चाहे ICS अफसरों को दी जाने वाली सुविधाएं हों, इन सवालों पर हमने पुनर्विचार किया है और पुनर्विचार के बाद हमने उन सुविधाओं को वापस लिया है। इसी तरह से संपत्ति का अधिकार है जिसको अक्षुण रखने के लिए सरकार ने इजाज़त दी है, परंतु जब सरकार उसके बारे में कानून बनाती है तो उसमें इस तरह की स्वतंत्रता नहीं होती और कहा जाता है कि हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन किया जा रहा है। माननीय, यह जो बिल है मैं इसकी ताईद करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ इस बिल के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत देर के बाद इस तरह का बिल पेश किया है। सरकार को कुछ पहले इस बिल को पेश करना चाहिए था। जो मूल एक्ट है उसमें इस बात का प्रावधान था कि जो प्रत्यक्ष कर होंगे उनको घटा दिया जाएगा,
उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको सरप्लस समझा जाएगा और उसका 60% बोनस के मामले में दिया जाएगा। लेकिन देश के मजदूरों की यह खास मांग थी और सही मांग थी कि जो कर हैं या उनमें से जो घटाए जाते हैं उनका हिसाब इस ढंग से किया जाता है कि उन पर जो छूट मिलती है वह छूट भी मालिक अपने पास रख लेते हैं और उसमें मजदूरों को हिस्सा नहीं मिलता है। इस सवाल को लेकर मेटल बॉक्स कंपनी वालों ने मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में किया और मुझे खुशी है कि उस मुकदमे में हिंदुस्तान के मजदूरों की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही सरकार की नींद टूटी और इन्होंने यह बिल पेश किया है। जब यह बिल सरकार ने पेश किया है तो अगर यह पास हो जाता है तो छूट की राशि में से 60% बोनस के रूप में मजदूरों के हिस्से में आएगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह 60% का प्रावधान बहुत ही कम है। इस प्रावधान को कुछ और बढ़ाना चाहिए क्योंकि बोनस जो दिया जाता है मैं माननीय भाई साहब की तरह या नहीं मानता कि यह एक्स ग्रेसिया ग्रांट दिया जाता है, मजदूरों के प्रति दया करके दिया जाता है। यह मजदूरों का अधिकार है। जो दौलत पैदा होती है उस दौलत को पैदा करने में अकेली पूंजी और जमीन का हाथ नहीं होता है। अगर मानव श्रम ना करे, मजदूरों का हाथ ना हो तो पूंजी दौलत के रूप में नहीं बदल सकती है। इसलिए दौलत को पैदा करने में मजदूरों की जो श्रम वाली पूंजी लगती है उस श्रम का यह सही हिस्सा है जो उसको बोनस के रूप में दिया जाता है। यह एक्स ग्रेसिया ग्रांट नहीं है, यह दया का दान नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, इस 60% को बढ़ा करके 70% किया जाए। इसके अलावा मैं एक दो सुझाव और देना चाहता हूँ। एक तो यह कि बोनस एक्ट में जो कम से कम 4% देने का प्रावधान है उसके संबंध में 1965 से आज तक यह एक्ट बनने के बाद स्वयं मंत्री जी को यह अनुभव हुआ होगा और वह स्वयं इस बात को महसूस करते होंगे कि इस 4% की राशि को और ज़्यादा बढ़ा करके कम से कम 10% पर आना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है गलत बैलेंस शीट तैयार की जाती है कंपनियों में मालिकों के द्वारा हमेशा।